नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हर गोविंद अरोड़ा जी। हम उनसे बात करेंगे जो कोरोना महामारी चल रही उसमें इनका क्या क्या योगदान रहा, और जैसे कि आज कल डीजल पेट्रोल के रेट को लेके और जो चीन और भारत की सीमा पे विवाद चल रहा उसको लेके हम बात करेंगे हर गोविंद अरोड़ा जी से। ये योगदान या कुछ ये बड़े भारी भरकम वो हैं शब्द जिनसे मैं जीवन भर परे ही रहा। कारण गोविंदाचार्य जी के भी शब्द हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्ष से जो विश्व में विकास हो रहा है वो मानव केंद्रित विकास हो रहा है, जिसका खामियाजा हमने एक अणु के छोटे से विनाशकारी रूप ने हमें दिखा दिया, इंसान की हैसियत उसको बता दी। जबकि विकास होना चाहिए था प्राकृतिक आधारित। अब रही प्रकृति की बात, कोरोना तो आज की बात है। अब बचपन से हम जो पेड़ लगा रहे हैं, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उन्हें पानी दाना या कुछ भी, आपको भी जहाँ मन मर्जी का भोजन मिलेगा आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे चाहे वो कितनी दूर भी हो। तो जब हम देखते हैं इतने वर्षों से इस काम को करते हुए, तो ये सारे वो लोग हैं ये सारे वो जीव हैं जिनका प्रकृति को बचाने और उसका संतुलन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो निरंतर चलते रहना चाहिए, और कई वर्षों से जो हम इसको कर रहे हैं कोई नया तो ऐसे कुछ किया नहीं, और कोरोना काल में हमें और इनकी आवश्यकता महसूस हुई तो और अच्छे से हम करने लगे। अच्छा हरगोविंद अरोड़ा जी, मैं बात करूंगा जैसे कि कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग की बात दिल्ली में चल रही थी, मैं द्वारका की बात करता हूँ, आपने एक बीड़ा उठाया यहाँ पे और उसमें आप कामयाब भी रहे, तो कैसे कर पाए इस टेस्टिंग को लेकर, जैसे कि एक डिस्पेंसरी में आज की डेट में फ्री चेकअप होता है कोरोना को? देखिए, पहले तो जब मैं समाचारों में या चैनल्स के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से अक्सर ये देखता था कि हज़ारों रुपए के टेस्ट और उनकी भी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह, जैसे नोएडा में मिला 5 लैब का, उन्होंने गलत परिणाम दिए, लोगों को जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, बाद में उनके नेगेटिव आए, एक ही लैब पर कार्रवाई हुई। अब ये इतना बड़ा विकसित तंत्र है, लूट तंत्र है, जो जनता के गले में एकदम फांसी के फंदे की तरह काम कर रहा था। हमने कुछ प्रयास किए सरकार के, टीवी पर अक्सर देखते थे, एक ऐसी किट भारत में बन गई जो 180 रुपए की है, जो 220 रुपए की है, लेकिन वो बाजार में इस तंत्र की वजह से आ नहीं सकी। अब दिल्ली सरकार का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि हमारे बगल में इन्होंने सेक्टर 17 की डिस्पेंसरी में फ्री में जांच शुरू की और उसका आधे घंटे में परिणाम भी आ जाता है, जबकि लैब आपको 3 दिन में देगा, 3 दिन आप जिंदगी और मौत के बीच में लटके रहेंगे। तो मैंने फिर जाकर जनता के बीच में इस बात को रखा कि आप लोग स्वयं यहाँ जाएं, यहाँ आपका पैसा नहीं लगेगा, गुणवत्ता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा, और आभारी हैं हम सरकार के कि उन्होंने हमें इस संकट की घड़ी में सहयोग किया। तो जो वो डिस्पेंसरी, जैसे आपने द्वारका सेक्टर 17 की बताई कि फ्री चेकअप होता है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो कितने लोगों का एक दिन में टेस्ट करते हैं लगभग, कुछ आइडिया आपको? देखिए, वो तो सुबह 10 से 1 का वहां पर है समय, भगवान ना करे किसी को वहां इस काम के लिए जाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन जितने भी लोग जाते हैं वो उनके नंबर के अनुसार उन सबके टेस्ट करते हैं वो। यानी कि जितने भी टाइम पे पहुंच जाते हैं सभी के टेस्ट होते हैं और आधे घंटे में रिपोर्ट भी आती है। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे हम बात करें जो चीन और भारत की जो सीमा पे विवाद चल रहा है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और जैसे हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए? देखिए जी, 20 जवानों की शहादत को तो शत शत नमन। आदिकाल से भारत माता की सीमाएं सुरक्षित ही इसीलिए हैं कि जांबाज भारत माता के पुत्र रहे हैं जो देश पे शहादत में अपना गर्व महसूस करते रहे, हमें उन पर गर्व होता रहा है। लेकिन सरकार, सेना और उससे अधिक दायित्व तो नागरिक का होता है। आज ये नहीं कि चीन ने आज हमला किया, आज हम चीन का माल लेना बंद कर देंगे, कल 6 महीने बाद हम भूल जाएंगे उसको कर देंगे, ये तो एक सोच अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, एक नागरिक का ऐसा निर्माण करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को ये समझाना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा और क्या हमारे लिए बुरा। हरगोविंद अरोड़ा जी, जैसे डीजल पेट्रोल के रोज कंटिन्यू दाम बढ़ते जा रहे, तो इसका क्या कारण है? देखिए जी, ये तो बहुत चिंता का विषय है और सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जो सरकार, जो पार्टी, जो नेता 2014 में अपने चुनाव प्रचार में ये कहकर सत्ता में आए कि पेट्रोल डीजल की मार से आम आदमी की कमर टूट रही है, आज वो आकर 72 साल में सबसे ज्यादा दाम यदि बढ़ा देते हैं तो ये जवाबदेही उनकी बनती तो है। एक नागरिक होने के नाते पूछने का तो हमें अधिकार बनता ही है।
हरगोविंद अरोड़ा जी, जैसे आज का चीन का जो माहौल चल रहा और जैसे और बड़े बड़े न्यूज चैनल भी दिखा रहे एक माहौल, भाई इनके साथ इतने देश, उनके साथ इतने देश, क्या है ये, क्या भय भी लोगों को किया जा रहा है इस तरह, या आपकी कुछ और राय है इस पे? देखिए जी, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय तो मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति की सोच से बहुत परे है, लेकिन अपनी सोच से एक छोटी सी बात कहूंगा, अधिक चीनी अक्सर चाय का जायका बिगाड़ देती है। हमारे साथ है राष्ट्रीय हास्य कवि चिराग जी, तम उनसे बात करते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी चल रही और हरगोविंद अरोड़ा जी भी है, काफ़ी समाज सेवा भी करते रहते हैं और जैसे चिराग जी है ये भी सहयोग करते रहते हैं। चिराग जी, जैसे आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है उस पर आप किस तरह लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब आपदा आती है, जब चुनौतियाँ आती हैं, तो सामान्यतया सबसे पहले मनुष्य स्वयं की रक्षा करता है। कहते भी हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, लेकिन जब समाज पर हर ओर से आपदा आ जाए, ऐसे में कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है किसी सभ्य समाज को, जो निजता से पहले, जो व्यष्टि से पहले समष्टि को सोचें, जो माइक्रो से पहले मैक्रो को सोचें, ऐसे लोग समाज की रीढ़ बन जाते हैं। निश्चित रूप से हमें घर में रहना है, हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी रक्षा से ही सबकी रक्षा कर पाएंगे, ये सब बातें सत्य हैं। लेकिन मैं अपने, जिनके विषय में आपने चर्चा की, हरगोविंद अरोड़ा जी, मैंने उनको करीब से देखा, मेरे पड़ोसी हैं, मैं देखता हूँ कि कोरोना काल में भी वे निरंतर, चार सोसाइटी छोड़कर रहते हैं, वे निरंतर आते हैं, बाहर एक पॉट रख रखा है जिसमें वो पक्षियों को पानी देते हैं। यदि अपनी इन चुनौतियों के बीच भी किसी मनुष्य को इस बात की चिंता है कि पक्षी पानी कैसे पिएंगे, तो इसका अर्थ है कि हम प्रकृति को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनौतियों के बीच भी हमने मनुष्यता को नहीं छोड़ा है, ये मनुष्यता जीवित रहे, परस्पर सहयोग की भावना जीवित रहे, उसके लिए हमें सामाजिक जो संगठन है, जो सामाजिक व्यक्तित्व है, जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, उसमें एकजुट होकर परस्पर सहयोग करना। चिराग जी, जैसे अभी आपने बात की हरगोविंद अरोड़ा जी की, जो पक्षी हैं उनको रोज पानी पिलाते और उनको दाना डालते हैं, मगर इसके अलावा भी और भी समाज सेवा ये करते रहते हैं, तो आपने क्या देखा? निश्चित रूप से गोविंद जी ने क्या किया, हरगोविंद जी ने, कि जब बाज़ार, जब व्यवस्था ख़राब होती है तो बाज़ार अपने लाभ देखने लगता है। कुछ निजी लैब ऐसी थीं जो टेस्ट के नाम पर या अन्य सुविधाओं के नाम पर जनता को शोषण कर रही थी, जैसे वो कर पा रही थी। गोविंद जी ने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, जनता को जागरूक कराया और उन लैब्स को इतना विवश किया कि वे धर्रे पर आकर, नियमों पर रहकर समाज के लिए हित का काम कर सकें। उसके लिए लोग गोविंद जी की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, निरंतर उनके पास उसके समर्थन के पत्र भी आ रहे हैं। और अंततः हमारे यहाँ तो एक कहावत है सर, कि जब पुल बना समुद्र के किनारे, समुद्र पर जब पुल बना लंका तक जाने के लिए, उस समय उस गिलहरी के योगदान को भी हम लोग बहुत मानते हैं। गोविंद जी का ये योगदान, गोविंद जी के ये प्रयास, हो सकता है कि हम जो बड़े बड़े कोविड के पत्र छपे और पत्रिकाएँ छपे उसमें सम्मिलित ना, लेकिन ये वो गिलहरी का योगदान है जिन बहुत सारे रेत के कणों से वो झिरियां भर गई जिनसे पुल के टूटने का खतरा था बढ़ेगा। चिराग जी, मैं आपको कहूंगा कि कोई ऐसी कविता सुना के लोगों को जागरूक करें। चार पंक्तियां सुना देता हूं, मैंने एक गीत लिखा जो इन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ, कि थम गया संसार सारा, हो रहा ओझल किनारा, सांस डरकर ले रहे हैं, विष भरा है हर नज़ारा, किंतु हम खुद को स्वयं सुकरात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे। ये शुरुआत करने का जज्बा बना रहे, इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू चिराग जी, आप आए हमारे चैनल पे आए और इतनी अच्छी बात आपने कही, उसको थोड़ा कवि के लहजे में लोगों को समझा कि किस तरह उनको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तो मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करूँगा हर खबर चैनल की तरफ से। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।